नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के स्टूडियो में मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर संजय पंत जी, जिनका मैं स्वागत करता हूं इस स्टूडियो में यूसर की तरफ से। मैं डॉक्टर पंत का परिचय देना चाहूँगा। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के मैथमेटिक्स विभाग के हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों में इनकी पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी विशेष अभिरुचि होने के कारण इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सब मेडिकल लीव लेकर हमारे सीएमएस सेंट्रल अल्मोड़ा में समन्वय के रूप में काम कर रहे हैं और विभिन्न यात्राओं का आयोजन भी कर रहे हैं। डॉक्टर पंत का विशेष फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी। हाँ, तो हम इस अपने आज के लेक्चर्स में हम बीएससी का टॉपिक है ये, इसके ग्रुप, इसको ग्रुप्स कहते हैं। हम ग्रुप्स के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल के बारे में बताऊंगा। हम ग्रुप को पढ़ने के पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको जो हमारा पहला लेक्चर था, इसके पहले का लेक्चर था जिसमें हमने सेट और फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो वो लेक्चर की ही आगे की कड़ी है ग्रुप, बाद में ठीक है, वो लेक्चर की कड़ी है। तो ग्रुप्स क्या है, इसके बारे में हम ग्रुप्स को किस रूप में सोचें। तो ग्रुप स्टार्ट करने के पहले आप एक चीज, सबसे पहले हम एक सेट लेते हैं, हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। इस नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। इस नॉन एम्प्टी सेट लेना अनिवार्य है हमारे लिए, इस ग्रुप के लिए। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कम से कम इसमें एक अवयव मौजूद है, एक एलिमेंट इसमें है। साथ में हम एक ऑपरेशन लेते हैं, जिसको हम अभी थोड़े कुछ समय के लिए स्टार से दिखाएंगे। ये ऑपरेशन क्या काम करती है इसके बारे में चर्चा करें हम। इस ऑपरेशन से मेरा मतलब क्या है, तो इस ऑपरेशन की चर्चा करने के पहले मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल दिखाता हूं। कैसा एग्जांपल? आप सब इस सेट से परिचित हैं जिसको कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जैसे आपको पता है 1, 2, 3, 4 ये सब नेचुरल नंबर हैं। कई बार कई बुक्स में आप जीरो को भी नेचुरल नंबर्स पाएंगे, पर हम अभी जीरो को नेचुरल नंबर नहीं ले रहे हैं। वास्तविक संख्याएं, हमारी वास्तविक संख्याएं यही हैं जिनसे आप परिचित हैं भली भांति। अब थोड़ा सा ये ऑपरेशन, जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन को मैं आपको एक ऑपरेशन दिखाता हूं। ऑपरेशन मींस इसके ऊपर आप कोई कुछ इस तरह की प्रक्रिया लगा रहे हैं कि हम उसमें दो एलिमेंट को आपस में, दो अवयव को आपस में जोड़ सके। इस ऑपरेशन को मैं यहां पर प्लस ले रहा हूं, जिस प्लस से आप धन की ऑपरेशन ले रहा हूं जिसको आप जानते हैं। धन से मेरा मतलब यह है 1, जो बचपन से आप जानते हैं 1 प्लस 2, दो वास्तविक संख्याओं को लिया, इसमें इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया, लगाया,
जिसको आप धन कहते हैं, तो 1 + 2 आपका आंसर आया 3। और 3 भी देखिए इसी वास्तविक संख्या का, वास्तविक 3 भी एक वास्तविक संख्या है, वो भी इस समुच्चय को बिलोंग करती है, इसमें है। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है, यदि मैं बहुत ही जनरल वे में यदि बात करना चाहूं तो मैं कहूं यदि एम कोई नेचुरल नंबर है, कोई भी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है एम, और एक दूसरा नेचुरल नंबर मैं एम लूं, ये भी 1, 2, 3 कुछ भी होगा, तो मुझे एक नया नंबर मिला जिसका नाम है एम प्लस एन, और यह भी एक वास्तविक संख्या होगी, ये भी एक वास्तविक संख्या है। मतलब ये भी किसको बिलोंग करती है, एक नोटेशन हमने सेट थ्योरी में नोटेशन पढ़ा था, अब याद करिए, हमने सेट थ्योरी में कहा था बिलोंग करता है किसको, बिलोंग करता है एन को। जब मैं इस तरह से लिख रहा हूं इसका मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसको इंग्लिश में स्क्रिप्ट एन भी कहते हैं, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिनोट करने का तरीका है। तो एम प्लस एन भी नेचुरल नंबर में है। जब हम किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स को उठाएं, उनको किसी ऑपरेशन से कंबाइन करें और जो रिजल्ट फिर से उसी सेट में हो, तो इस तरह की ऑपरेशन को जो हमने अपने पहले लेक्चर में सीखा था, इस तरह की ऑपरेशन को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब प्लस एन पर, इसका मतलब प्लस एन पर एक बाइनरी ऑपरेशन है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप जरा आप ध्यान से देखिए इस बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है। बाइनरी ऑपरेशन को देखने का तरीका, फिर से हमारे पिछले वाले लेक्चर पर वापस जाइए, मैंने वहां आपको बताया था बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है n क्रॉस n, इसको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा था, याद करिए, प्लस एक ऑपरेशन है और जो n क्रॉस n से किस में गई, n में गई। तो प्लस, मैं आपको समझा रहा हूं क्या मतलब है इसका, प्लस इस पेयर पे लगा 1 और 2 पर, लिखने का तरीका आपने ऐसा सीखा है, और ये किस में आ गया, n में आ गया। तो आपने n क्रॉस n से ये पेयर उठाया, इस पर ये ऑपरेशन लगाई, लगाने का तरीका आपने ऐसे सीखा है, और आंसर भी आपका जो नया नंबर आ रहा है 3, वो किस में आ रहा है, वास्तविक संख्या में। तो बाइनरी ऑपरेशन कहने का मतलब, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी सिखाया था, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है वह फलन जो n क्रॉस n से या सेट के सेट से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी सेट पर जाए, उसको हम बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी फलन कहते हैं। बाइनरी बाई से आया है, बाई माने दो अवयवों पे लगता है, इसीलिए इसका नाम बाइनरी पड़ा हुआ है। ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन कहते हैं। सो, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या ऑपरेशन ढूंढ रहा हूं यहां पर। एक मुझे एक नॉन एम्प्टी सेट दिया है, अरिक्त समुच्चय दिया हुआ है, मैं इस पर एक ऑपरेशन, एक फलन डिफाइन कर रहा हूं। जो कैसा ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं, यहां देखिए, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। यदि किसी समुच्चय के दो अवयवों को किसी ऑपरेशन से कंबाइन करने पर फिर से उसी समुच्चय का अवयव मिले, तो ऐसे फलन को, ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यह भी तरीका है। देखिए, इन समुच्चयों के किसी भी दो एलिमेंट को कंबाइन करने से, इस ऑपरेशन से फिर से मुझे उसी समुच्चय का अवयव मिला है, इसीलिए इसका नाम बाइनरी ऑपरेशन पड़ा हुआ है। ये बातें हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले लेक्चर में, तो इस पर मैं डिटेल में यहां पर नहीं जाऊंगा, ये आप इससे परिचित हैं। अभी हमें क्या देखना है कि आखिर में एक नॉन एम्प्टी सेट जी है, उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन की है, ये मेरी लैंग्वेज में, मैंने जो भाषा दी है उस लैंग्वेज में बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है जी क्रॉस जी से जी में। देखिए यहां पर, जो मैंने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था, ये एक ऑपरेशन है, इस पर बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब, इस बाइनरी ऑपरेशन का मतलब, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मतलब यदि ए और बी दो अवयव हैं जी के, और ए स्टार बी भी किसका अवयव हो जाए, जी का, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, इस ग्रुप में ऑपरेशन क्लोज है,
और उसी को क्लोजर प्रॉपर्टी होना, ऑपरेशन का क्लोजर होना, ऑपरेशन का बाइनरी होना, ये सब चीजें इक्विवेलेंट है। आपको किसी बुक में क्लोजर लिखा मिला होगा, किसी बुक में बाइनरी ऑपरेशन लिखा मिला होगा, तो अलग अलग है। आप जिस भी बुक को पढ़ेंगे, हम आपको इस लेक्चर के अंत में कुछ बुक्स की जानकारी देंगे, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की, जो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब मेरे पास क्या है, देखिए ध्यान से, मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, मेरे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम देखना चाहते हैं कि इन दो चीजों के साथ में क्या हम कोई नई संरचना को जन्म दे सकते हैं मैथमेटिक्स में कि नहीं। तो इस संरचना को जन्म देने से पहले हम पुनः वापस जाएं एक एग्जांपल पर। ये काम करने के पहले हम एग्जांपल फिर से देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल को देखना चाहते हैं। कैसा एग्जांपल, देखिए। अब हम यहां पर एक सेट ले रहे हैं, ये है, इसको आपकी बुक पे कभी कभी इस सेट को आई से भी लिखा होता है, इसको कहते हैं सेट ऑफ पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें मैंने बाइनरी ऑपरेशन वही ली जो मैं अभी बोल रहा था आपसे, मैंने इसमें बाइनरी ऑपरेशन ली प्लस की, वही प्लस जिससे आप परिचित हैं। अब मैं देखना चाहता हूं ये प्लस और जेड के बीच में क्या क्या चीजें पॉसिबल है, जो ध्यान से देखिए क्या क्या बातें हैं जो संभव होती है। यदि आप कोई भी दो अवयव उठाएं, कोई भी दो पूर्णांक उठाएं m और n, तो m प्लस n भी एक पूर्णांक होगा। ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्यों, ये तो वैसे भी सत्य था, क्यों, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है। इस प्रॉपर्टी को आपको बुक में मिला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकेंड चीज देखिए, जैसा यदि आप m प्लस n करें और यदि इनका ऑर्डर बदल दें, तो आपने नोट किया होगा कि इसमें कोई अंतर नहीं है, 2 प्लस 3 भी 5 होगा और 3 प्लस 2 भी 5 होगा। ये सारी ये किसी भी m और इनको फॉर ऑल कहते हैं, ये नोटेशन फॉर ऑल के लिए, ये सारे m और n के लिए सही है। और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूट करना, पलटना ऑर्डर, कम्यूटेटिव। तीसरी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम पहले लेक्चर में, हम आपको आश्चर्य होगा इन प्रॉपर्टी के बारे में हम पहले लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, आपने बाइनरी ऑपरेशन में आपने मुझसे बोला कि दो नंबर को आप कंबाइन कर सकते हैं, यदि तीन नंबर को कंबाइन करना हो तो क्या करेंगे तब, तो इसके लिए यह प्रॉपर्टी बहुत आवश्यक है। अदरवाइज आप तीन नंबरों को कभी कंबाइन कर ही नहीं पाएंगे। तो तीन नंबरों को कंबाइन करने का तरीका क्या होता है, ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं। मैंने किसी को, आप में से किसी एक को यदि मैंने ये बोल रहा कि 2 + 3 + 5 निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको तो केवल दो ही नंबरों को कंबाइन करना आता है। तो आप पहले 2 + 3 निकालेंगे, आंसर 5 आएगा, फिर 5 + 5 करेंगे, आंसर 10 आएगा। भाई कोई दूसरा लड़का होता मैं ऐसे नहीं करूंगा, वो बोलता पहले मैं 3 और 5 को कंबाइन करूंगा तो आंसर 3 + 5 = 8 आएगा, और फिर 2 को कंबाइन करूंगा, आंसर फिर 10 आया। तो ग्रुपिंग आप कैसे भी कर लें, आंसर हमेशा सेम आ रहा है। और ये बता रहा है कि 2 से ज्यादा नंबर भी आप जोड़ सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसे, m + n + p, तीन नंबर जोड़ा, पहले दो को जोड़ा फिर तीसरे में जोड़ा, इसका आंसर सेम होगा यदि मैं ऐसे जोड़ दूं। तो आप ग्रुपिंग चाहे कैसे भी कर लीजिए, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा, और ये सारे m, n और p के लिए सही है, किसी भी पूर्णांक के लिए, कोई भी तीन पूर्णांक लीजिए। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी देखिए जरा सा, जेड में आपने नेचुरल नंबर में मैंने आपसे बोला था शून्य को कभी रखते भी हैं और नहीं भी रखते हैं, पर पूर्णांकों में शून्य हमेशा पूर्णांक इस समुच्चय का मेंबर होता है, सदस्य होता है इस समुच्चय का। ये जीरो की खासियत क्या है, जीरो की खासियत ये है, फॉर एनी m बिलोंगिंग टू जेड, कोई भी पूर्णांक के लिए वी हैव, क्या चीज सही है हमारे पास में, m + 0
जीरो प्लस एम इक्वल टू एम होता है, मतलब शून्य एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी अंक में जोड़ा जाए पुनः वही अंक प्राप्त होगा, और इसको कहते हैं आइडेंटिटी। इस जीरो को हम आइडेंटिटी कहते हैं शून्य को। पांचवा देखिए, चार बातें हो गई, पांचवी बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग बात है देखिए जरा सा, फोर, और आपके मन में आ भी रही होगी ये बात, क्या इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कोई भी अंक उठाऊं पूर्णांक में, ये नोटेशन भी ध्यान रखिए, जो मैं बोल रहा हूं देयर एग्जिस्ट कहते हैं इसको, एक अस्तित्व होगा, ये नोटेशन भी है, मैथमेटिक्स में नोटेशन का बहुत अच्छा स्थान होता है और नोटेशन को जानना भी मैथमेटिक्स में जानने का एक पार्ट है। तो फॉर एनी एम देयर एग्जिस्ट माइनस एम, फॉर एनी एम बिलोंगिंग टू जेड देयर एग्जिस्ट माइनस एम बिलोंगिंग टू जेड, यस बिल्कुल सही है। यदि पांच पूर्णांक है तो माइनस पांच भी पूर्णांक है, माइनस थ्री पूर्णांक है तो माइनस ऑफ माइनस थ्री थ्री वो भी पूर्णांक है, तो हर पूर्णांक के लिए आपको उसका एक नेगेटिव मिलेगा, ऐसा कि सच दैट, ऐसा कि कैसा मिलेगा, यदि मैं उस पूर्णांक को उसके नेगेटिव में जोड़ू किसी भी वे में, और वैसे भी ये संभव है, क्यों संभव है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि पूर्णांकों में कम्यूटेटिव होता है, आंसर हमेशा आपका जीरो आएगा। इसका मतलब हर पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक मौजूद होता है जिसको उस पूर्णांक में जोड़ा जाए, कंबाइन किया जाए ऑपरेशन से, तो आपको शून्य प्राप्त होगा, जो आइडेंटिटी एलिमेंट था। माइनस एम इज कॉल्ड, माइनस हमको क्या कहते हैं, माइनस एम इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एम, एम का इनवर्स कहते हैं। अब हम रुकते हैं यहां पर, हम इस एग्जांपल में रुकते हैं, पूर्णांक किसी सेंस में पूर्णांक को इन बातों को देखते हुए पूर्णांक को बड़ा परफेक्ट समुच्चय समझा जाता है अलजेब्रा शुरू करने के पहले। अब यहां और भी बात देखेंगे, हमारा अभी अगला लेक्चर रिंग थ्योरी पर होगा, वहां पर हम देखेंगे कि ये प्रोटोटाइप मॉडल होता है रिंग का भी, पर हम वो बात की बात है, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे, पर अब हम देखें जरा यहां पर क्या बात है। हमने देखी इस जेड में इस ऑपरेशन के साथ में, पूर्णांक इस ऑपरेशन के साथ में इन बातों को रखता है अपने अंदर, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोजर होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, हर एक शून्य का ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसको किसी भी एलिमेंट में जोड़े तो आइडेंटिटी है, और हर एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स नेगेटिव एलिमेंट भी होता है। अब हम कल्पना करना चाहते हैं, अब हमारी सोच ही सो जा रही है, किस हो जा रही है हमारी सोच, कि मुझे आप कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट दे दे, आप इससे हटिए थोड़ा सा, अंकों से इन चीजों से हटिए, मैं आपको कई एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। यदि आप मुझे कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दे दें, देखिए जेड नॉन एम्प्टी सेट है, आप मुझे कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दे दें और उस सेट पर मुझे क्लोजर वाली ऑपरेशन दे दें, और वो यदि ऑपरेशन उस सेट के ऊपर इन प्रॉपर्टीज को यदि सेटिस्फाई करती हो, तो हम एक नए स्ट्रक्चर को जन्म दे रहे हैं। वो स्ट्रक्चर हमने एग्जाम्पल में तो इंटीजर्स के लिए देखा, पर अब हम जनरल वे में देखना चाहते हैं। मैथमेटिक्स इसी तरह से इवॉल्व होती है, याद रखिए मैथमेटिक्स का विकास ऐसे ही होता है, पहले आप धरातल पे देखने वाले और दिखने वाले उदाहरणों को देखते हैं, फिर धीरे धीरे उन उदाहरणों से कुछ बातों को उठाते हैं और एक नए स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं, और फिर ये देखते हैं कि ये नया स्ट्रक्चर कहां कहां उपलब्ध है यूनिवर्स में, किन किन जगहों पर उपलब्ध है। तो आपको आश्चर्य होगा जो मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर आपको फिजिक्स में क्रिस्टलोग्राफी में मिलेगा, या केमिस्ट्री की बात कर ले, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में क्रिस्टलोग्राफी मिलेगा। फिजिक्स का तो बहुत बड़ा बेस है ग्रुप थ्योरी, फिजिक्स में आप जो भी स्टडी करते हैं ग्रुप, और क्वांटम मैकेनिक्स ग्रुप थ्योरी से स्टडी की गई है, जो आप पढ़ेंगे बाद में। ये एक लैंग्वेज है जिसको आप हायर लेवल की साइंस में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको जो मैंने लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने लिखा है। अब आप मुझसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आप कौन सा चीज उठाना चाहेंगे, कौन सी चीज उठाना चाहेंगे इसमें से, तो आश्चर्य होगा मैं इसमें से कुछ चीजें तो उठाना चाहूंगा अपने ग्रुप बनाने के लिए। कौन सी चीजें उठाना चाहूंगा या कौन सी चीजें मैं ड्रॉप करना चाहता हूं, आपको आश्चर्य होगा। ये आपने एक प्रॉपर्टी देखी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, बचपन से आप अपनी मैथमेटिक्स में इस प्रॉपर्टी को देखते आ रहे हैं,
पर याद करिए ये प्रॉपर्टी हर जगह उपलब्ध नहीं है या नहीं है, बताइए कहां पर। सोचिए थोड़ा सा, यदि आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डालेंगे तो आपने अपनी 11th या 12th क्लास में मैट्रिसेस पढ़ी होंगी, पढ़ा था ना मैट्रिक्स, पढ़ी होगी आपने। तो उस मैट्रिक्स में यदि आप उठाइए एक, आपको अच्छे से पता है दो मैट्रिक्स ए और बी लें, अब मैं ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन की लेता हूं, तो आपको अच्छे से पता है ए डॉट बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, जरूरी नहीं है कि आंसर सेम होगा यदि बी को ए से मल्टीप्लाई करें। और देखिए ऑपरेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, आपको लगता है कॉमन प्रॉपर्टी पर यह है नहीं, और मैट्रिक्स में ऐसे कई उदाहरण पेश करूंगा जहां पर यह प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत कॉमन नहीं है। अभी तक आपने स्कूल में देखा होगा अपने सिंपल से ऑपरेशन के साथ में, ऑपरेशन तो कई तरह की हो सकती है पर यह बहुत कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, क्लोजर की प्रॉपर्टी तो होना चाहिए। मैं जिस सेट के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यदि एलिमेंट उस सेट से जम करके कहीं बाहर चले जाए तो वो स्ट्रक्चर मेरे किसी काम का नहीं है, तो यह प्रॉपर्टी तो मुझे चाहिए बाइनरी ऑपरेशन वाली। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसलिए चाहिए मुझे क्योंकि मुझे दो से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं मेरे सेट में जिन्हें मुझे कंबाइन करना है, तो यह प्रॉपर्टी मेरी वहां काम आएगी। पर याद रखिए मैथमेटिक्स में हायर मैथमेटिक्स जिस दिन आप पढ़ना शुरू करेंगे तो नॉन एसोसिएटिव एलजेब्रा भी होती है जहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है, पर फिलहाल हम इस प्रॉपर्टी को भी लेंगे। यह प्रॉपर्टी हमारी बड़ी काम की है, शून्य जो है बड़े काम की चीज है आइडेंटिटी, ये बताता है मुझे बार बार कि एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो किसी भी एलिमेंट से कंबाइन किया जाए रिजल्ट मुझे वही ओरिजिनल एलिमेंट फिर से मिल जाता है, ये मेरा एक पॉइंट है। और हर एलिमेंट का इनवर्स होना और बहुत जरूरी, आप रियलाइज करेंगे आगे चल के, अब बाद में रियलाइज करेंगे ये दो प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है मेरे लिए, अदरवाइज मुझे ग्रुप नहीं मिलेगा, एक नया स्ट्रक्चर मिलता है इसको सेमी ग्रुप कहते हैं, पर हम सेमी ग्रुप पर यहां चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी सेमी ग्रुप अलग टॉपिक है। तो अब मैं अपने ग्रुप की डेफिनेशन बना देता हूं, कैसे बनाऊंगा आपको लग गया होगा, मैं एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूं जहां पर इस जी के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या है, वो नंबर हो सकते हैं, वो एलिमेंट मैट्रिसेस हो सकती हैं, वो नंबर कुछ और हो सकता है, वो नंबर हाथी घोड़े हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या है वो नंबर, वो क्या है ऑब्जेक्ट यहां पर। और ये ऑपरेशन आप जो ऑपरेशन जानते हैं वो केवल धन की होती है, गुणा की होती है, भाग की होती है, माइनस की होती है, ना ना ऑपरेशन तो कई हो सकती है, विचित्र प्रकार के ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे देखिए ये लीजिए ए और बी दो नेचुरल नंबर लिए, ये देखिए मैं नया ऑपरेशन बनाता हूं, ये लीजिए दो एलिमेंट को कंबाइन करने के नए ऑपरेशन, ऑपरेशन तो कई तरह की विचित्र साइड की हो सकती है। ये ऑपरेशन देखिए मैंने कैसे बनाई है, ये दो नेचुरल नंबर उठाइए, बस का मतलब मैं आपको एक नेचुरल नंबर पांच दू, पांच 5 स्टार 4 का मतलब क्या हुआ, 5 प्लस 4 माइनस 5 इंटू 4 20, आंसर क्या आया माइनस 11। पर देखिए यार ध्यान से, ये ऑपरेशन बाइनरी नहीं है, माइनस 11 नेचुरल नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, ये लीजिए क्या आया, अब तो नेचुरल नंबर है, तो ये तो क्लोजर ऑपरेशन और भी है, तो ऐसी कई ऑपरेशन संभव है। तो आप ये मत सोचिए केवल जो आपने धन और ऋण और भार देखिए वही ऑपरेशन होती है, नहीं नहीं नहीं, ऑपरेशन कई तरीके की हो सकती है। जी एक नॉन एम्प्टी सेट कैसा भी नॉन एम्प्टी सेट हो, ऑपरेशन कैसी भी ऑपरेशन हो, केवल इस ऑपरेशन का काम यह है कि ये जी के दो एलिमेंट को पे लगती है और एक नए एलिमेंट का जन्म होता है जो जी में ही हो, क्लोजर प्रॉपर्टी। और अब देखिए मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं, जो मैं डेफिनेशन परफेक्टली जो हमने बनाई डेफिनेशन बहुत समय के बाद में इन प्रोटोटाइप मॉडल को देखकर, ये डेफिनेशन तो आप इसको नाम देते हैं, आपको बुक में लिखा होता है कि डेफिनेशन, आप नाम दो डेफिनेशन कैसे, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार स्टार बी स्टार कोई ऑपरेशन है, स्टार एंड ऑपरेशन ऑन जी, ऑपरेशन का मतलब समझ जाइए अच्छी तरह से, धीरे धीरे इस सोफिस्टिकेशन को अपने दिमाग में बैठाना शुरू करिए, ये लैंग्वेज बहुत जरूरी लैंग्वेज समझना चाहिए आपको, इस लैंग्वेज को यदि आप नहीं समझ पाए तो इसको ना भी समझेंगे तब भी आप समझ गए, इंट्यूटिव फीलिंग आपको है कि क्या ऑपरेशन का मतलब है, पर ये ऑपरेशन का मतलब ये होता है हमेशा किसी भी दो एलिमेंट को कंबाइन करके उसी का एक एलिमेंट मिलना, ये बाइनरी ऑपरेशन की बात है, यहां मैं लिखना भूल गया हूं, ये बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं इसको, बाइनरी ऑपरेशन हम जी। So and star be a right option, then G is called
जी को क्या कहेंगे, जी इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ, क्या क्या बातें हो भाई, पहली बात फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू जी, जी का कोई भी दो एलिमेंट उठाइए, ए स्टार बी भी किसमें होना चाहिए, जी में, मैंने बताया था याद करो क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड, मैंने कम्यूटेटिव को नहीं बोला था, क्या बोला था मैंने, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसको हमने कहा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा, देयर एग्जिस्ट, एक ऐसे अवयव का अस्तित्व होगा, ऐसे एलिमेंट का, ऐसा सदस्य होगा जी में, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, हम उस एलिमेंट को कुछ नाम दे देते हैं, तो बड़ा स्टैंडर्ड नाम आपको बुक में मिलेगा ई, ये ई से बचाए, इस पर नाम, ये नाम देने का तरीका है, तो आपको कई स्टैंडर्ड बुक में इसका नाम ई लिखा मिलेगा, ई मेंबर ऑफ जी, मैंने ई को इससे घबराइए मत, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको मन करे, आप नाम कुछ भी दिए, मैंने ई उठा लिया, ये इसलिए उठाया कि स्टैंडर्ड बुक में आपको ये नाम मिलेगा। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई मेंबर ऑफ जी सच दैट, ये वही एलिमेंट है जो शून्य ने काम किया था वहां पर, क्या करेगा ये, सच दैट ई स्टार ए, इसको ए पे लगाओ आपको फिर से ए मिल जाएगा, ये सही है फॉर ऑल ए मेंबर ऑफ जी के लिए। तो इस ई को आपने क्या नाम दिया था याद करो, ई इज कॉल्ड, अभी मैंने एग्जांपल में बताया इसका नाम आपने बोला था क्या, आइडेंटिटी। फोर्थ, फॉर प्रत्येक प्रत्येक मेंबर के लिए, जी के प्रत्येक सदस्य के लिए अस्तित्व में होगा, कैसा सदस्य, एक सदस्य होगा जिसको हम किससे दिखाएंगे, अब इनवर्स कहा है तो हम ऐसे दिखाना चाहते हैं, यदि एडिशन की बात होगी तो एडिशन में इसी इनवर्स को हम ऐसे दिखाते हैं, याद रखिएगा माइनस है, तो यह दो तरह के इनवर्स होती है, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये इनवर्स का ऐसा, इस इनवर्स का मतलब ये नहीं है, याद रखिए इसका मतलब ये नहीं है, अभी कुछ भी नहीं, ये केवल नोटेशन है, ए इनवर्स केवल नोटेशन, ध्यान देखिए इस ए इनवर्स का मतलब वन अपॉन ए है ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये केवल नोटेशन यूज कर रहा हूं मैं, ए इनवर्स मिलेगा जी में सच दैट, क्या काम करेगा याद करो, एम ने माइनस एम के साथ क्या काम किया था, एम को जब माइनस एम के साथ कंबाइन किया था तो क्या मिला था, शून्य मिला था, आइडेंटिटी मिला था, ए को यदि मैं ए इनवर्स के साथ कंबाइन करूं तो मुझे ई मिलेगा। सो ए इनवर्स इज कॉल्ड, ए इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, और मेरा स्ट्रक्चर तैयार है ग्रुप का, बस एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एक ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन मतलब वही ऑपरेशन जो बचपन से देखते आ रहे हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, उसके अलावा कोई भी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन जो मैंने आपको स्पष्ट किया था, कैसी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ये देखिए ऐसे कोई ऑपरेशन होनी चाहिए जो क्लोजर की प्रॉपर्टी रखे, जिसमें एसोसिएटिविटी बची हो, हर एलिमेंट आपके पास एक ऐसा एलिमेंट हो जो शून्य की तरह काम करता हो जो आ नंबर में किया था, और एक एलिमेंट ऐसा हो, हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ऐसा मिले जो उस पर यदि उसको उस एलिमेंट में कंबाइन करूं तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। इस स्ट्रक्चर को हम जी को, इस जी को ग्रुप कहते हैं, ये ग्रुप मैंने जो लिखा हुआ है, और इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को, दिस इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को, इसमें एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार है, इसी को हम ग्रुप स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आपके मन में कई तरह के विचार उठ रहे होंगे, कैसे विचार उठ रहे हैं आपके मन में, सर आखिर में ये बताइए ये स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है इसका उपयोग कहां पर है या क्या उपयोग हो सकता है इसका। पहले तो मैं कुछ चीजें आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि मैथमेटिक्स में हर बार आप उसकी उपयोगिता के बारे में पूछना शुरू करेंगे तो मैथमेटिक्स में विकास ही संभव नहीं है। मैथमेटिक्स का पहला उद्देश्य होता है आप जो छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं उनसे एक थ्योरी को डेवलप करना। हम पहले यह उद्देश्य ध्यान में रखते हैं ये थ्योरी कहां यूज होगी, पर यह आश्चर्य की बात है ग्रुप थ्योरी डेवलप करते समय यह ध्यान में नहीं रखा गया कि इसकी उपयोगिता क्या होगी, पर जैसे ही ग्रुप थ्योरी डेवलप होकर आई वैसे ही लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि फिजिक्स में क्रिस्टलोग्राफी में स्नोफ्लेक्स, आपने देखा होगा स्नोफ्लेक्स के फॉर्मेशन का, क्रिस्टल के फॉर्मेशन में, इन सबकी स्टडी में ग्रुप थ्योरी का यूज होना शुरू हो गया। और इसके बाद तो आपको पता है बिना ग्रुप थ्योरी के, यदि ग्रुप थ्योरी आप नहीं जानते हैं
ग्रुप थ्योरी नहीं जानने का मतलब है आप फुटबॉल उसी तरह से खेलते हैं कि फुटबॉल नहीं है, फिजिक्स को आप ऐसे जानेंगे, फिजिक्स ऐसी होगी आपके लिए। यदि ग्रुप थ्योरी पता नहीं है और आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बस समझ लीजिए आप ऐसी फुटबॉल खेल रहे हैं जिसमें फुटबॉल है ही नहीं। तो ग्रुप थ्योरी इंटीग्रल पार्ट है फिजिक्स का। और आश्चर्य की बात है, मैं अभी आपको यहां पर एग्जांपल नहीं दूंगा, हम अपने इस सीरीज के किसी अन्य लेक्चर में बायो मैथमेटिक्स पर बात करेंगे कभी, तो आपको आश्चर्य होगा इसी ग्रुप का मैं बायो मैथमेटिक्स में आपको यूज करके दिखाऊंगा कि ग्रुप से बायो मैथमेटिक्स में कैसे यूज किया जाता है और किस तरह से थ्योरी डेवलप की जा रही है, आजकल नई थ्योरी डेवलप की जा रही है। खैर ये बात की बात है। तो इस लेक्चर की ये ग्रुप के बारे में अब आपसे पहली मेरी आपसे, अब मैं आपको कुछ पहले तो कुछ काम दूं आपको करने के लिए। काम क्या दे रहा हूं मैं आपको, किस तरह का वर्क दे रहा हूं मैं, वर्क ये है आप आज इस लेक्चर के बाद में आज आप रियल नंबर का सेट उठाएंगे, रियल नंबर के सेट में मुझे बताएंगे क्या ये स्ट्रक्चर ग्रुप है। क्या सेट लिया मैंने, वास्तविक संख्याओं, दस मिनट अब मैं आपको कुछ कार्ड दे रहा हूं, ये वास्तविक संख्याओं का। अरे आप थोड़ा सा एक करेक्शन कर लीजिए, मैंने पिछली बार में कहीं एग्जांपल देते समय एन को सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को मैंने वास्तविक संख्याएं कहा था, वास्तविक संख्याएं नहीं वह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यह है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आर मीन्स सारी वास्तविक संख्या प्लस वही ऑपरेशन जो आप जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह ग्रुप है कि नहीं, क्या आप ये बता सकते हैं ग्रुप है कि नहीं? बहुत सिंपल, मैंने आपको चार प्रॉपर्टी लिखाई थी, आप मुझे चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखा दीजिए। यदि वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये एक नया ये स्ट्रक्चर ग्रुप है, और यदि कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये ग्रुप नहीं है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लीजिए, ये प्लस लीजिए और देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। आपको पता था, ये पहले से पता है आपको, क्या पता है बताइए, कोई भी ए और बी ले लूं, ए प्लस बी फिर से क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, पहली वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, क्लोजर। कोई भी तीन प्राकृतिक संख्या ले लूं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई है। क्या चीज नहीं है, देखिए दो चीजें प्रॉपर्टी फेल कर गई, कौन सी दो प्रॉपर्टी फेल कर गई, शून्य मेंबर नहीं है किसका, नेचुरल नंबर का। तो आप शून्य को रख लें तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, नहीं रखेंगे तो नहीं है, शून्य मेंबर ही नहीं है, इसका मतलब एन के पास में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। और साथ ही में यदि मैं कोई नेचुरल नंबर ए लूं, मान लो ये आइडेंटिटी होता भी, मैं नेचुरल नंबर एन लूं माइनस ए, यदि ए नेचुरल नंबर है तो याद करो माइनस ए नेचुरल नंबर नहीं होता, यदि पांच प्राकृतिक संख्या है तो माइनस पांच पूर्णांक संख्या तो है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो दो प्रॉपर्टी फेल कर गई। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या नहीं है, ये ग्रुप नहीं है। हर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप होगा जरूरी नहीं है। देखिए एक बार और इंटरेस्टिंग बात नोट करिएगा, रियल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लीजिए और मल्टीप्लीकेशन लीजिए ऑपरेशन, आप देखेंगे बड़ी हल्की सी बात से ये ग्रुप होने से बच गया। कौन सी हल्की बात से, कौन बताएगा, आप ध्यान से देखिए आर में क्या एलिमेंट होता है, शून्य होता है, आर में शून्य का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। शून्य का इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको शून्य में मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आइडेंटिटी आनी चाहिए, आर की आइडेंटिटी वन है मल्टीप्लीकेशन में। ऐसा शून्य में ऐसे किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता जिससे कि मेरा आंसर वन आ जाए, इसका मतलब शून्य के लिए कोई भी उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ग्रुप नहीं है। केवल एक छोटी सी गलती के कारण ग्रुप नहीं रह पाया। क्या हम किसी स्ट्रक्चर को उस गलती को रिमूव कर दें तो क्या हम ग्रुप का स्ट्रक्चर ला सकते हैं वापस, आंसर है यस। कैसे, देखिए इस आर में से निकाल दीजिए बाहर, किसको निकाल दीजिए, शून्य को निकाल दीजिए। आपको स्टैंडर्ड बुक में इस सिस्टम को लिखा मिलेगा आर स्टार। अब इस सिस्टम में आप मल्टीप्लीकेशन लगाइए और आप देखिए ध्यान से आपका यह ग्रुप है।
जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, इसका मतलब हर एलिमेंट नॉन जीरो है और हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स होता है। कैसे? टू का इन्वर्स क्या होगा? वन अपॉन टू। वन अपॉन थ्री का इन्वर्स क्या होगा? थ्री। वन का इन्वर्स क्या होगा? वन। माइनस वन का क्या होगा? माइनस वन। माइनस वन अपॉन टू का क्या होगा? माइनस टू। हर एलिमेंट का इन्वर्स पॉसिबल है। केवल जीरो ही ट्रबल मेकर था, जीरो ट्रबल मेकर था, यही जीरो था जो समस्या पैदा कर रहा था, मैंने उसको निकाल दिया, अब ये ग्रुप बन गया फिर से। तो ऐसे कई चीजों को ग्रुप बना सकते हैं। आपके आपके नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं, जो एन प्लस था ये ग्रुप तो नहीं बना, ये सेमी ग्रुप का एग्जाम्पल है। तो हम सेमी ग्रुप के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, कभी हम एक स्पेशल लेक्चर सीरीज में स्पेशल टॉपिक उठाएंगे तब हम सेमी ग्रुप पे बात करेंगे। तो आपको एक चीज लगा होगी, सर आपने बार बार बोला कि कम्युनिटी ग्रुप ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं नॉन कम्युनिटी ग्रुप का एग्जाम्पल दे रहा हूं। कैसे ग्रुप? जिस ग्रुप में कम्युनिटिविटी नहीं होती उसको हम नॉन कम्युनिटी ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? ये लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है, ये सेट लीजिए। कौन सा सेट है ये? ये सेट कुछ नहीं बल्कि इसमें क्या बिलोंग करता है? टू बाई टू की मैट्रिक्स का सेट है, ए बी सी डी सब रियल नंबर है। और एक ध्यान रखिए, इसका डिटरमिनेंट जो है, कंडीशन ये लगाइए मैंने, ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये डिटरमिनेंट है ऐसे देखा जाए। तो मैंने वो सारी मैट्रिसेस ली हैं जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। आप घर में आज आपको ये जाके पहले काम करना है, इस ग्रुप के इस सेट के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं 11 12th क्लास में, आपको घर में जाके ये चेक करना है आज कि मैंने जो ये सेट दिया है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है। और आप घर में जाके चेक करेंगे तो आप पाएंगे ये बिल्कुल ग्रुप बनाता है, पर ये कम्यूटेटिव नहीं होता। ऐसे ग्रुप जो कम्यूटेटिव नहीं होते उन्हें नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। और इसको फिजिक्स के लिटरेचर में इसी ग्रुप को GL2R कहते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप। फिजिक्स की शुरुआत यहां से है, GL2R से। तो हम अगले लेक्चर में फिर से कुछ बातों को एक बार फिर समराइज करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप आज आपको ग्रुप के बारे में पता चल गया, आपने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। ये एग्जाम्पल पूरे ग्रुप के पिक्चर को नहीं दिखा रहे हैं, मैंने केवल आज को डेफिनेशन से परिचित कराया। मैं अगले लेक्चर में आपको ग्रुप की ज्योमेट्री से परिचय कराऊंगा, ठीक है? तब तक आप अलग अलग ग्रुप छांट के लाइए, कुछ कम्यूटेटिव कुछ नॉन कम्यूटेटिव, कुछ नंबर पे बेस कुछ नॉन नंबर पे बेस, देखें आप कितने ऐसे ग्रुप छांटते हैं। और मैं इस लेक्चर के अंत में आपको बुक का नाम लिख दूं, जो बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये बुक है टॉपिक्स इन एलजेब्रा बाय IN हर्स्टी। ये बुक इंडियन मार्केट में इंडियन एडिशन में अवेलेबल है, सस्ती बुक है, इसको कोई भी परचेज कर सकता है। ये क्लासिक बुक है, दुनिया के हर कोने में पढ़ाई जाती है। चलिए, धन्यवाद।